प्रयागराज की ओर ले चलते हैं, जहां औद्योगिक क्षेत्र व जोनल सर्विस लांच टीम द्वारा अवैध असलहों की तस्करी करने वाले शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज महोदय के निर्देशन में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान व श्रीमान पुलिस अधीक्षक यमुना पार महोदय की आदेश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह औद्योगिक क्षेत्र के निर्देशन में उप निरीक्षक वृंदावन रहा है। प्रभारी जोनल सर्विस लांस मैं टीम के द्वारा अभियुक्त विकास पांडे पुत्र स्वर्गीय शिवलाल पांडे निवासी ग्राम गोती थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज को गिरफ्तार कर 4 अदद देसी अवैध तमंचा 315 बोर व 5 अदद जिंदा कारतूस एवं चोरी की 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से जिला क्राइम ब्यूरो रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। थाना औद्योगिक क्षेत्र और जोनल सर्विलांस टीम को ये सूचना मुंबई द्वारा मिली थी कि एक व्यक्ति विकास पांडे, जो कि ग्राम गौती थाना औद्योगिक क्षेत्र का ही रहने वाला है, यह कुछ अवैध तमंचे अपने पास रखे हुए है और इन्हें अन्य लोगों को सप्लाई करने की योजना बना रहा है। इसी मुखबिर की सूचना को डेवलप करते हुए आज जोनल सर्विलांस टीम और थाना औद्योगिक क्षेत्र की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभियुक्त विकास पांडे को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 4 अवैध तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस काम में और कौन लोग संलिप्त थे, इसकी जांच की जा रही है और इन सभी लोगों का पता लगाकर, ये इनका कोई गैंग है, कोई नेटवर्क है, उन सभी लोगों का पता लगा करके उनके खिलाफ भी बहुत जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी।